गुड़ा खड़े हो, चलो आपको दिखाने जाएंगे आज डॉक्टर के पास। आ जाओ, ये खाके दूँ काम बेबी। क्या हुआ? चेंज आ जाओ, ये खाके तो दे दो भाई मेरी गुड़िया। गाइज, हम आए हैं अभी फरीदाबाद में। यहाँ हम मेट्रो से जाएंगे हॉस्पिटल, ये संत परमानंद हॉस्पिटल में यूवी को दिखाने के लिए। अब यह वो 3 साल का हो चुका है। इसके पहले 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। एक ऑपरेशन हुआ था जब ये 4 मंथ का था, और दूसरा ऑपरेशन जब हुआ था जब ये 10 मंथ का था। इसकी पूरी स्टोरी डिटेल मैं लास्ट में बताऊंगी। तो देखिए, अब हम जा रहे हैं मेट्रो से, और तो चलते हैं। मांजा बंदर मांजा, एंजल मांजा। यूवी जो है वर्ड तो बोल लेता है, एक एक वर्ड अगर आप इसको रिपीट कराएंगे तो ये बोल लेगा, लेकिन पूरी जो सेंटेंस की एक लाइन होती है उसको नहीं बोल पाता है। तो उसके लिए हम आज हॉस्पिटल जा रहे हैं इसको दिखाने के लिए। संत परमानंद हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए आपको कश्मीरी गेट पर उतरना है, और फिर सिविल लाइन के लिए आपको येलो लाइन वाली मेट्रो पकड़नी है। कश्मीरी गेट से अगला ही स्टेशन सिविल लाइन है। ये एक अमेरिकी संस्था है जो ऐसे बच्चों का इलाज करती है जो जन्म से लिप्स क्लिप्स होते हैं, और पालेट जिनका मतलब क्लिप्ट होता है, जैसे कि तालू कटा हुआ हो या आगे से होंठ कटा हुआ हो, जो जन्म से ही ऐसे पैदा होते हैं उनका ये संस्था जो है वो इलाज करती है। ये संस्था कोई आपसे कोई चार्ज नहीं करती है। इसका पूरा जो भी बच्चे का ऑपरेशन का चार्ज होता है, बच्चे के खाने पीने का होता है, और उसकी जो मदर होती है उसका जो चार्ज होता है खाने पीने का, वो सब वही संस्था उठाती है। यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपका भी अगर बेबी मान लो ऐसा हो जाता है, आप इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं। आपका कोई रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप यहाँ पर आकर अपना नंबर लगाएं, और फिर उसके बाद आप दिखाएं अपने बच्चों को, फिर डॉक्टर जैसे कहते हैं फिर वैसे ही उसका इलाज कराएं। सो गाइज, हम पहुँच चुके हैं संत परमानंद हॉस्पिटल में। हाँ, सो गाइज, मैं भूल गई थी, और इस संस्था का नाम है द स्माइल ट्रेन के नाम से ये संस्था है। तो आप इसमें फ्री में इलाज करा सकते हैं। जो बच्चे ऐसे होते हैं, मैं कुछ फोटो अब आपको दिखाऊंगी, उन बच्चों के ऑपरेशन हो चुके हैं। तो उनको 8 दिन पहले या 10 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, और वो भी फ्री में। यहाँ पर दूर दूर तक के जो लोग हैं जिनके बच्चे ऐसे होते हैं उनके ऑपरेशन फ्री में ही होते हैं। यहाँ कोई गरीब या अमीर से नहीं है, यहाँ पर सभी का इलाज बराबर से होता है। ये हैं वो बच्चे जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी तो फिलहाल ये 2 बच्चे थे, काफी सारी भीड़ हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं अपनी यूवी की पिक्चर दिखा देती हूँ आप। कितना कटा हुआ था इसका? ये कुछ पिक्स हैं जो मैंने क्लिक की हैं, और ये जनवरी में पैदा हुआ था, और इसके लिप्स और पैलेट दोनों ही क्लिफ थे। तो इसके 2 ऑपरेशन हुए थे, और अब ये 3 साल का हो चुका है। ये इसकी नानी है, थैंक यू नानी इतनी केयर करने के लिए। इसकी मसाज वगैरह इसकी नानी ने करी है। इसके लिप्स का ऑपरेशन जो हुआ था वो 4 मंथ का था जब इसका ऑपरेशन हुआ था। वो फर्स्ट ऑपरेशन था, बहुत ही दिक्कत हुई थी। ये इस टाइप से
इसकी जो पिक्चर आ रही है, ये दो चार ही हमने पिक क्लिक करी थी हमारे, अब भी मतलब इन फोटो को देख ले तो आंसू नहीं सूखते हैं। लेकिन थैंक यू गॉड एंड डॉक्टरों का, जो मतलब ऐसा इलाज भी है, अगर ऐसे बच्चे हो भी जाते हैं तो उनका भी इलाज हो जाता है। फिर इसके बाद इसकी 10 मंथ का हो गया था, फिर जब दोबारा से इसकी सर्जरी हुई थी पैलेट की, ऊपर तालू जो होता वो कटा हुआ था, सो उसकी वजह से ये अभी तक बोल नहीं पाता है। तो सो हम इसलिए उन्होंने बोला था कि जब ये 3 साल का हो जाएगा तो एक बार इसको दिखा के जाना, तो अब ये 3 साल का हो चुका था तो इसलिए हम गए थे। तो उन्होंने बोला है कि अब इसकी स्पीच पर काम करना है 6 महीने तक, आपको 6 महीने इसको वर्ड जो है इसके माइंड में ट्रांसफर मतलब पूरे स्टोरेज कर देने हैं, जो ये अपने आप से वर्ड बनाना सीखे और बोलना सीखे। ये 7 मंथ की पिक्चर है, तो जो लिप्स है उस पे कुछ मतलब स्टेचेस के ये जो निशान है थोड़े थोड़े आ रहे हैं, दिख रहे हैं। इसके फेस पर जो ये लिप्स का ऑपरेशन हुआ था इस पे कुछ एलर्जी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक सिलिकॉन की वो दी थी पट्टी, तो उसको लगाने से इसकी स्किन को सूट नहीं हुई, तो ये देख रहे हैं आप इस टाइप की एलर्जी हो गई थी। फिर से हम इसको दिखा करके लाए, फिर उन्होंने बोला कि इस पट्टी को अब मत लगाओ, तो इसकी वजह से इसके लिप्स पर थोड़ा सा निशान है। अभी 10 मंथ का है, फिर से इसकी सर्जरी हुई है, और इसकी सर्जरी जब 10 मंथ का हो गया था तो उसकी पायलट की सर्जरी हुई थी, उसमें ना तो मुंह में बच्चे को कुछ देना है, ओनली इसको हमने बाउल और स्पून से दूध पिलाया है, ना तो इसने मेरा दूध पिया है, और इसको पाउडर का और गाय का दूध पिलाया है। तो गाय का दूध अगर आप पिला रहे हो तो थोड़ा पतला करके पिलाएं, और डब्बे का पिला रहे हो जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसी दूध को पिलाएं, ना कि अपने अकॉर्डिंग पिलाएं। आप देख सकते हैं ये डे बाय डे ठीक होता जा रहा है, मतलब शक्ल जो थोड़ी सही होती जा रही है। ये जब मैं ऐसी पिक खींचती थी जो इसका जो लिप्स है वो नहीं आए इंस्टाग्राम से या किसी से, तो देख रहे हैं ये एलर्जी हो रही है। ये जब 10 मंथ का था, ये फोटो मेरी है, ये एंजल ने खींच ली थी, मैं बासी ले रही थी तो उसने ऐसे क्लिक कर दिया और मैंने भी ऐसे ये डाल दी। इसका नीचे का देखो वो पायलट आपको दिख रहा होगा, वो अलग अलग था, दो उस टाइप से, एक इधर था, बीच में पूरी एक लाइन थी। मैं इस स्माइल ट्रेन ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपके ऐसे बच्चे हैं तो आप भी जाके अपने बच्चे का इलाज करा सकते हैं। यूट्यूब से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, जिससे कि जिन जिनके ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको एक तरह की जानकारी मिल सके कि ऐसे बच्चों का भी फ्री में किसी संस्था के उससे इलाज हो सकता है, जिनके पास पैसे नहीं है या जिनको यही नहीं पता है कि इनका इलाज कब होगा या कैसे होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो इनका इलाज जो है आप 3 मंथ का हो जाए जब आप इस हॉस्पिटल में जाकर के कांटेक्ट कर ले, और उनका कांटेक्ट नंबर उस संस्था का मैं डिस्क्रिप्ट। और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, जो इस जानकारी का सभी को फायदा मिल सके, तक ये पहुंच जाए वीडियो जिनको इस वीडियो की नीड है। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। आप भी हेल्प करिए, यूट्यूब भी आपकी है हमारी हेल्प करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।